हमारे लिए भगवान के बराबर है, मोदी को आना बहुत ही जरूरी है। जिंदा जिस दिन रहेगा नरेंद्र मोदी वोट पाएगा। क्यों मोदी जी पसंद है युवाओं को? राम मंदिर, राम मंदिर, जय श्री राम। जितना मालूम है राम मंदिर बना है, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। घर सुविधा नहीं है, चलो देखेगा हमारा घर, यदि देखेगा ना तो बोलेगा कि कौन जब मरेगा से कौन पता नहीं पाएगा। हम लोग तो बीजेपी के वोट देवे करते हैं और देते ही है, लेकिन बात है गरीब का तो दुखड़ा कोई नहीं सुनता। अब की बार किसकी सरकार। और फिलहाल हम आज चंदन क्यारी के मानपुर बस्ती में पहुंच गई है हमारी द न्यूज़ पोस्ट की टीम। यहां पर आइए पब्लिक से बातचीत करते, जानते हैं यहां के लोगों का मिजाज इस बार चुनाव को लेकर। आप बताइए, वोट देते हैं आप बीजेपी? बीजेपी, बीजेपी को वोट देते हैं? क्यों बीजेपी को देते हैं? क्यों पसंद? क्योंकि हम लोग इज्जत रखा है, वही आरसी है ना, ब्राह्मण हम लोग है ना, इसीलिए बीजेपी को चाहिए हम लोग को। बौरी मुझे नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना, कोई दलित नहीं चाहिए। और कोई भी दोगला बोलेगा बोलेगा तो अलग बात है, बीजेपी चाहिए हमको, बीजेपी चाहिए। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो अभी मोदी सरकार आ रही है, ये पूरा इंडिया नहीं वर्ल्ड भी जानती है कि पूरी मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार क्यों आएगी? आप लोग ने जो वादा किया था मोदी ने, 370 आपका तीन तलाक और कोरोना जैसा वायरस, इस तीन मुद्दे में बहुत ही अच्छा काम किए मोदी जी। और नहीं तो पाकिस्तान जैसा, अगर मोदी जैसा लीडर आज हमारा देश में नहीं रहता, जो हालात जो आज पाकिस्तान का कटोरा लेके जो घूम रहा है, जो इंडिया एक दिन बंद होने के लिए सोचता था आदमी, आज सालों भर बंद रहा, लेकिन आज वही इंडिया है लॉकडाउन में। और ऐसा नौबत जो बड़ा किस्मत वाला हिंदुस्तानी का है, जो इस तरह का लीडर हमारे देश में मिला है, उस ये इसका बहुत किस्मत की बात है। आपने देखा होगा कि फ्रांस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई, जिसमें से अगर कोई तिरंगा लेके जाता था तो इसका कितना सम्मान है। आप देखिए श्रीनगर की स्थिति देखिए, आप जानते हैं जवान की स्थिति क्या है आज 370 धारा में, यानी मोदी जी ने हर स्तर पर देखिए जो 370 धारा हटा, 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ? देखिए क्या हुआ, एक माँ जो अपना बच्चा को पाल के रखती है, क्यों रखती है? क्योंकि उस बच्चा का एक उम्मीद रहता है कि हमारे वो बच्चा जो है हमारी कमाई करेगा। जब वो ताबूत में जाता है, जो देश के लिए वो मर जाता है, उससे पूछो, उस माँ से पूछो कि 370 क्या है। मेरा दूसरा है, उस बहन से पूछो जिसका मांग सिंदूर उड़ गया है, उसको पूछो 370 क्या है, समझे? वो बहन से पूछो, उस श्रीनगर में अभी मोदी की लहर है, श्रीनगर में कोई हिंदू नहीं है, हर श्रीनगर में मुस्लिम आज जो है, आज क्यों मोदी जी का जय जयकार कर रहा है, आप बताइए। आप G20 को देखिए, आज पूरा वर्ल्ड जो है G20 किया है, आप देख रहे हैं। इसलिए मोदी हमारे लिए भगवान के बराबर है, मोदी को आना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम मोदी तीन बार नहीं, जब तक उनकी जान रहेंगे तब तक मोदी रहेंगे। जय श्री राम। आइए बात करते हैं, आप बताइए वोट देते हैं? हाँ देते हैं। किसको वोट दे रहे हैं? हम तो मोदी को देंगे। मोदी क्यों पसंद है? हमको इनका विकास पसंद है, ये जो आयुष्मान कार्ड योजना चलाया है गरीबों के लिए, वो भी बहुत बढ़िया है, उसका लाभ मिलता है सर, आप सबको मिलता है, सब गरीब को मिलता है, अन्न मिलता है। कोविड में जो कोरोना वायरस में बहुत का जान बचा के रखा, दूसरा देश होता तो पताल में चल जाता अभी तक। हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी है हम लोग। आइए कमल जी, आइए और लोगों से, आप बताइए भाई आप वोट देते हैं? अच्छा आप बता दीजिए वोट देते हैं कि नहीं? हाँ देते हैं। कौन पसंद है आपको? बीजेपी। बीजेपी पसंद है? मोदी। मोदी आपको नहीं लगता कि थोड़ी महंगाई भी बढ़ गई है बीजेपी के कार्यकाल? नहीं वो कुछ नहीं, हम लोग का देश शांति है तो सब शांति है, देश शांति है तो सब शांति। आप बताइए वोट? सब मोदी। सब मोदी है यहाँ पर, सबको मोदी पसंद है। आप बताइए भैया किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी आएगा इसमें? मोदी जी, आपको भी लगता है मोदी जी आएगा? जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, मोदी जी ऐसा कौन सा काम? देखिए इस चंदन क्यारी क्षेत्र में जो विकास करेगा वो सबसे ढोलो महत ही है,
एकदम दुल्लू में तो विकास करेंगे और देश में आपको लगता है कि मोदी जी एकदम एकदम पक्का मोदी लगातार पिछले दो बार से मोदी जी हैं तो आपको नहीं लगता कि इस बार कुछ बदलाव जरूरी बदलाव होगा मोदी आने से मतलब मोदी जब आए हैं तो बदलाव तो हुआ है आई और लोगों से हम बातचीत करते हैं दुल्लू जी क्यों आना चाहिए हाँ दुल्लू जी क्यों आना चाहिए इसका दो कारण है दुल्लू जी एक विधायक है वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं उसके साथ साथ जो पूरे इलाका में अपना क्षेत्र छोड़ के आप इलेक्ट्रिसिटी लीजिए कहीं भी कुछ घटना हो जाता है तो दुल्लू जी आके खड़े होते हैं उन गरीब का जो हक है वो दिलाते हैं इसलिए दुल्लू जी हमारे बहुत ज़रूरी है जहाँ आप कोरोना जैसे वायरस में इतनी लाशें की तादाद थी जो वहाँ पर कोई उठाता नहीं था दुल्लू जी का दो गाड़ी एट ए टाइम वहाँ पर है जो उस लाश को जो क्रियाकर्म है उनको करवाते थे और उनको जो मुआवजा भी देते थे इसलिए दुल्लू जी वहाँ बहुत ज़रूरी है। तीसरा नंबर जो राम मंदिर की बात है राम मंदिर नहीं बनने से पहले उन्होंने एक डेमो राम मंदिर भी अपने क्षेत्र में दे दिया है जो जुआ के साथ साथ उस इलाका में एक रोजगार के तौर पर वहाँ पर काम लिया इसलिए हमारे क्षेत्र में दुल्लू जी जरूरी है। बिल्कुल आइए और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करके जानते हैं उनकी राय। आप बताइए वोट देते हैं क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है बीजेपी की सरकार आएगी बीजेपी की सरकार क्यों पसंद है बीजेपी बीजेपी पसंद है बीजेपी तो बहुत नरेंद्र मोदी बहुत सा काम कर रहे हैं देश के लिए बाहर विदेश के लिए भी इसलिए उनको देना जरूरी है तो मोदी जी नाम से मोदी हैं और दुल्लू महतो के बारे में क्या कहना दुल्लू महतो आए दुल्लू महतो मोदी के सब है मोदी के हैं आइए और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते जानते हैं आप बताइए क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है इस बार कांग्रेस का कांग्रेस की सरकार आ रही क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस इसलिए लग रहा है ये जो सरकार पहले की थी वो जुमलेबाज सरकार थी वो जो भी बोला था 15 लाख बोला था वो नहीं मिला और भी जो भी योजना दिया है कुछ भी नहीं काम किया वो बड़े कारपोरेट घराने के काम किए इसलिए हम लोग इस बार सब मिलकर बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ देश पर यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मोदी जी आ जाए यार वो एक हवा है हवा चल रहा है कोई मंदिर के नाम पर कोई मस्जिद के नाम पर ही तो नारा चल रहा है मोदी लहर मानते मोदी लहर मान जागरूकता मोदी लहर चल रहा है कोई काम नहीं होगा विफल हो जाएगा सब लोग भी अब काफी इस बार प्लान कर चुके हैं बाहर से देख रहे हैं लहर अंदर से कुछ लहर नहीं है अंदर कुछ लहर नहीं बाहर लहर बदलाव होगा बदलाव होगा धनबाद क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है अनुपमा जी आएंगी आएंगी अनुपमा जी आएंगी तो बिल्कुल इनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी क्योंकि मोदी जो है वो जुमलेबाज सरकार है आप बताइए वोट देते हैं मेरा अभी 18 साल नहीं हुआ है 18 साल नहीं हुआ है अच्छा कोई बात नहीं चलिए आइए और लोगों से अगर अगर 18 हो जाता तो किसको पसंद करते कैसा आप सरकार मोदी जी को पसंद करते हैं क्यों मोदी जी पसंद है युवाओं को राम मंदिर राम मंदिर जय श्री राम युवाओं के लिए कुछ किया उन्होंने आपके हिसाब से जो करना चाहिए किया होगा आपको मालूम नहीं है ना मालूम नहीं लेकिन जितना मालूम है राम मंदिर बना है हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है आप बताइए वोट देती हैं हाँ देती है फूल छाप में देती है फूल छाप हाँ देगा हाँ हमारा बड़ी कष्ट है घर ना है कॉल ना है पानी नहीं हमारा किचन ना है फिर भी फूल छाप में देना हाँ लेटरिन नहीं बाथरूम नहीं किचन नहीं हमारा कर इतना पानी भर के फिर कहाँ यहाँ से पानी लेके घर में भरता है यहाँ से लेके अगला दर्द करता है पानी भर भर के पानी नहीं है तालाब में पानी नहीं जो आपके जो नेता है उनको कभी बताया नहीं आपने कुछ नहीं हमारा घर सुविधा नहीं है घर सुविधा नहीं है चलो देखो हमारा घर यदि देखेगा ना तो बोलेगा कि कखन जब मरेगा से कहीं पता नहीं पाएगा कखन मरेगा से पता नहीं पाएगा चलो देखा जाएगा घर हमारा कैसा घर है से चलो देखा जाएगा आइए तो बहुत मुखिया है बहुत सरपंच है किंतु हमारा कुछ नहीं करता है कुछ नहीं करता है वोट आप किसको दीजिएगा वोट किसको दीजिएगा वोट किसके देगा फुलके देगा वोट चार दिया है पैसा दिया है तो उसके ही देगा वोट मोदी में चाटा तो दिया है खाएगा पेंशन दिया है उसके वोट देगा हाँ पेंशन मिला है वोट किसको दीजिएगा इस बार फुलके दो फुलके फायदा होता है बिल्कुल इतने दूर से ये महिलाएं पानी भरकर जाती हैं और फिर भी इनका ये कहना है कि फिलहाल ये मोदी यानी कि फूल छाप को वोट देंगे क्योंकि जो सरकारी सुविधाएं उसका लाभ मिल रहा है पेंशन मिल रहा है राशन मिल रहा है लेकिन ये हम देख सकते हैं कि आज भी गाँव में जो ये प्रथा आप देखिए आपको एक बार कैमरे से दिखाना चाहेंगे कि कैसे इतनी दूर से ये पानी भर के अपने घर पर ले जा रही है क्योंकि पानी की कोई सुविधा नहीं है अभी भी कुछ लोग हैं जो हाँ बताइए क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है इस बार हेलो सरकार हम लोग तो बीजेपी के वोट देवे करते हैं और देते ही हैं लेकिन बात है गरीब का तो दुखड़ा कोई नहीं सुनता है पहली बात है यहाँ पानी का तकलीफ है सबका आता है इलेक्शन का टाइम बोलता हम पानी घर घुसा देंगे वो करेंगे तो उसका करेंगे कुछ देने वाला कोई नहीं है ना पीएन सिंह तो देवे नहीं किया विधायक अमर बावरी तो कुछ देवे नहीं किया यहाँ का और बात रह गया और
सहारा का पैसा का कम से कम गरीब का तो देना जरूरी है। नरेंद्र मोदी को वोट देगा, नरेंद्र मोदी जिंदा जिस दिन रहेगा नरेंद्र मोदी वोट पाएगा, उसका छोड़ कर किसी को नहीं देगा। और पानी का हम लोग का बंदोबस्त कर दीजिए, मानपुर में पानी का अभाव है हम लोग का। और यहाँ का विधायक अमर वारी कुछ नहीं किया, एमपी जो जैसे ये है पीएन सिंह वो भी कुछ नहीं किया, कोई सांसद काम नहीं किया, तो कभी वो भी नहीं आया। नरेंद्र मोदी जो काम किया, ये जो कोरोना का चला ना घटना, अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहता तो ये झारखंड का आदमी 50% मर जाता। बताइए क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है इस बार? सरकार तो भाजपा की आएगी। क्यों लगता है कि भाजपा की सरकार आएगी? भाजपा काम किया है, विकास किया है गांव में, विकास के नाम पर उन्होंने क्या किया? विकास नहीं किए हम लोग को, पानी की व्यवस्था बहुत दिक्कत है, लेकिन उसके लिए काम चल रहा है। दामोदर में पानी टंकी बन रहा है, जल जीवन जो मिशन चल रहा है 2024 किसी कारणवश नहीं हो सका है, लेकिन 2019 से पहले हो जाएगा, 2029 से पहले। बिल्कुल, तो साफ तौर पर हमने यहाँ पर गांव के लोगों से बातचीत की, गांव के लोगों में मोदी को लहर, मोदी को लेकर लहर तो देखने को मिल रही है, लेकिन नाराजगी भी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो निचले स्तर पर यानी गांव में काम नहीं किया है। सांसद से लोग असंतुष्ट है, कुछ लोग हालांकि संतुष्ट भी हैं, लेकिन अब देखते हैं कि यहां की जनता क्या कुछ फैसला करती, किसी सरकार आती है। हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और मुद्दों पर हम बातचीत करें, द न्यूज़ पोस्ट की टीम जो है वो लगातार अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रही है, गाँव के लोगों से बातचीत कर रही है। और ये सामने आकर आज उन्होंने बताया कि क्या कुछ परेशानियाँ हैं, उसके बावजूद भी किनको वोट देंगे, क्या उम्मीद करते हैं, इसके बारे में भी इन लोगों ने हमसे चर्चा की। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।